एंड वेलकम इन द न्यू एपिसोड ऑफ गेमिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, अब बताने वाले हैं आपको गेमिंग से कंसर्न टॉप 5 न्यूज इस एपिसोड में। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार गेमिंग वर्ल्ड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जो 5 न्यूज आपको देने वाले हैं उसमें नेक्स्ट जन कंसोल से रिलेटेड भी है, करंट कंसोल से रिलेटेड भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट पे सबसे पहले आपको न्यूज दे देते हैं कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प की मैं बात कर रहा हूँ, आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि उन्हें भी कोई सर्वर बैन कर सकता है। जी हाँ, एक गेमिंग सर्वर यानी कि ट्विच जो बहुत ज्यादा फेमस है, इंडिया में उतना फेमस नहीं है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग यूट्यूब पर गेमिंग करते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो ट्विच पर सबसे ज्यादा करते हैं। और अब उनका जो अकाउंट है उसे बैन कर दिया गया है क्योंकि उनके जो अभी चुनाव चल रहे हैं नोनी जी, और वहां पर उन्होंने कुछ ऐसी चीजें डाल दी हैं जो नहीं डालनी चाहिए थी, इस वजह से उन्हें टेम्परेरी बैन कर दिया गया है। गाइस, नेक्स्ट न्यूज आ रही है PSVR की तरफ से। सोनी ने अपने PSVR को, जो कि नेक्स्ट जनरेशन से कंसर्न है, पेटेंट करा लिया है ताकि कोई और उसके लुक को कॉपी ना कर सके। गाइस, हम जानते हैं कि इससे पहले जो हमारा PS4 के साथ हमने PSVR देखा था, उसमें वे कुछ मतलब काफ़ी सारे डीमेरिट्स नज़र आई थी। एक तो वो वायर्ड था, इसके साथ ही काफ़ी एक्सपेंसिव भी था, तो इतना ह्यूज सक्सेस रहा नहीं। बट सोनी एक चीज़ में एक्सपर्ट है कि जो पिछली बार कमियां रह गई थी, इस बार उसको प्रॉपरली इम्प्रूव करके ही प्रोवाइड कराने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों, ये हम जानते हैं कि अगर 2020 में हमारा PS5 रिलीज होगा तो कम से कम 1-2 साल का गैप सोनी इसको रिलीज करने में लगाएगा। वैसे एक इवेंट तो कह रहे हैं प्लान करने वाला है सोनी VR का भी लुक शायद कुछ रिवील करने के लिए, लेकिन टाइम गैप इसलिए नेसेसरी है यार, बहुत एक्सपेंसिव एसेसरी है ये, इसको लोग एक टाइम पर परचेज नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट पे दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसी गेम की जो एक स्टील फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है। गेम का नाम है क्राइसिस और आपको पता ही है कि क्राइसिस को रीमेक करके बनाया जा रहा है, यानी कि अब आपको पूरी एक नई गेम आपको देखने को मिलेगी, इसका रिबूट वर्जन भी आप कह सकते हैं। पहले हमें इसके रिलीज डेट के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि शायद हो सकता है कि इसी मंथ इस गेम को रिलीज कर दिया जाए, यानी कि जुलाई मंथ में, और 23 जुलाई का सबसे ज्यादा माना जा रहा है। अब देखते हैं कि ये गेम ऑफिशियली कब तक डिक्लेयर करती है कंपनी। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गेम 2007 में रिलीज हुई थी 13 नवंबर में, और फिलहाल आप इसे PS4, PS3, Xbox One सभी प्लेटफॉर्म पर खेल सकते हैं अगर आप इसका पुराना वर्जन खेलना चाहते हैं तो। गाइस, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो सुपर निंटेंडो वर्ल्ड गेम, जो कि 2020 में समर ओलंपिक्स में रिलीज होने वाली थी, इसको भी डिले कर दिया गया है COVID-19 पेंडेमिक की वजह से, जो कि अब 2021 में रिलीज होगी। रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं की है। हमें पता है इसमें यूनिवर्सल पार्क्स वगैरह की थीम पर ये बेस्ड है, जिसमें निंटेंडो से हमें मारियो भी नजर आने वाले हैं। इसमें कुछ ऐसा भी डिस्क्राइब किया गया है कि कंटिन्यूअस लॉसेस वगैरह को फेस करने की वजह से पार्टनरशिप कुछ कमजोर नजर आ रही है, लेकिन फिर भी गेम को रिलीज करने का इन लोगों ने डिसाइड किया था। अब देखते हैं 2021 में भी कुछ ये पेंडेमिक तो नहीं होगा, लेकिन ऐसी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स ना आ जाए जिससे गेम को फर्दर डिले करना पड़े। और लास्ट पॉइंट पर दोस्तों बात करें तो ये आती है नेक्स्ट जन कंसोल से रिलेटेड, तो ये प्लेस्टेशन 5 से रिलेटेड मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी उस पर हम बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने भी ये कंफर्म किया, जैसे आपको पता है कि PS5 के 2 एडिशन लॉन्च हो रहे हैं, एक डिस्क वाला, एक विदाउट डिस्क वाला है, लेकिन एक्सबॉक्स भी अपने 2 एडिशन लॉन्च कर रहा है। एक का नाम तो हम जानते हैं ऑलरेडी, एक्सबॉक्स सीरीज एक्स फाइनल हो गया है, जिसमें आपको 12 टेराफ्लॉप्स देखने को मिलेंगे, डिस्क है, सारी चीजें उसमें, हार्डवेयर वगैरह बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर उसे पता है कि दोस्तों कि उतना प्राइस बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए कंपनी ने ये डिक्लेयर किया है कि एक्सबॉक्स सीरीज एस के नाम से भी वो एक कंसोल ला रहे हैं मार्केट में, जो कि 8K नहीं होगा, यानी कि 8K रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करेगा, उसे 4K तक रखा जाएगा और उसमें आपको 4 टेराफ्लॉप्स देखने को मिलेंगे। तो इसका डिजाइन वगैरह अभी तक सामने रिवील नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि अगस्त में जो इवेंट होगा, जैसे आपको पता है टोक्यो इवेंट बहुत बड़ा इवेंट होता है, क्योंकि गेम शो सितंबर में होने वाला है जी, नई नई गेम्स के उसमें ट्रेलर भी दिखाए जाएंगे, साथ ही वहां पर ये उसका लुक रिवील करेगा। तो अब बस वेट ही कर सकते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि इस बार उसका वो क्या प्राइस डिक्लेयर करता है। तो गाइस, आपको ये गेमिंग न्यूज का एपिसोड अच्छा लगा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में भी, ताकि उनको भी नई नई इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर लेकर आएंगे आपके लिए नेक्स्ट न्यूज, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।